वेलकम स्टूडेंट्स क्लास 12। आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत स्टडी करेंगे ग्रुप 16 एलिमेंट्स, जिनको कि हम ऑक्सीजन फैमिली के नाम से भी जानते हैं। ग्रुप 16 एलिमेंट्स, एलिमेंट्स इन 16 ग्रुप आर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। एंड ये पीरियोडिक टेबल आपके सामने है। सर्कल में जो एलिमेंट्स दिखाए गए हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, दीज आर 16 ग्रुप एलिमेंट्स। दीज आर नोन एज कैल्कोजेंस। कैल्कोजेंस वर्ड इज टेकन फ्रॉम कॉपर, बिकॉज द मोस्ट कॉमन कॉपर मिनरल्स ऑक्साइड्स के फॉर्म में होते हैं या सल्फर सल्फाइड्स के फॉर्म में होते हैं, और ये ओर्स हैं ऑक्सीजन और सल्फर के, इसलिए इनको हम और प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। इस टेबल में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, कैलोरियम, पोलोनियम एंड लिवर मोरियम, इनके सिंबल्स और एटॉमिक नंबर शो किए गए हैं, इनको आप देख सकते हैं। अकरेंस, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ऑक्सीजन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ के ऊपर। ऑक्सीजन बनाता है करीब 46.6% मास ऑफ अर्थ क्रस्ट, और जो ड्राई एयर है इट कंटेन्स 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। अबेंडेंस ऑफ सल्फर इन अर्थ क्रस्ट, केवल अर्थ क्रस्ट में सल्फर की क्वांटिटी 0.03 से 0.1% है। कंबाइंड सल्फर एग्जिस्ट करता है एज सल्फेट्स, जैसे जिप्सम, इप्सम, सल्फाइड्स, गैलेना, जिंक ब्लेंड, कॉपर पायराइट। इस तरह से मैक्सिमम जो ओर्स हैं यहाँ सल्फाइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट हैं। सल्फर ऑर्गेनिक मटेरियल्स में भी पाया जाता है, जैसे एग, प्रोटीन, गार्लिक, अनियन, मस्टर्ड, हेयर एंड वूल। सेलेनियम एंड कैलोरियम ये एज सेलेनाइड और कैलोराइड्स पाए जाते हैं, जो कि सल्फाइड ओर्स हैं। पोलिनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। लीवर मोरियम ये भी सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 116 एंड एटॉमिक मास 292। जनरल ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स, इनकी प्रॉपर्टीज में किस तरह से चेंज आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी में एंड में np4 है। n मीन्स नंबर ऑफ ऑर्बिट। ऑक्सीजन 2s2 2p4, सल्फर एंड में होगा 3s2 3p4, सेलेनियम 4s2 4p4। तो इस तरीके से सबकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन सेम है। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर होने के कारण एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई इंक्रीज होती है ऊपर से नीचे की तरफ, ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ। और साइज ऑफ ऑक्सीजन जो है कंपेरेटिवली स्मॉल है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियड में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, टेंडेंसी टू लूज वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी। इन ग्रुप के एलिमेंट्स में क्वालिटी बहुत ही कम है, तो इनका जो क्वालिटी है बल्कि डाउन द ग्रुप और भी। ये वैल्यू आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप बढ़ती है, क्योंकि साइज इसका बढ़ रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्मॉल साइज है, हाई न्यूक्लियर चार्ज है, सो एक इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है। दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट 15 ग्रुप एलिमेंट्स हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हाफ फिल कॉन्फिगरेशन, सो दीज ऑक्सीजन फैमिली के जो मेंबर्स हैं एबनॉर्मली नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स है, यानी 15 ग्रुप एलिमेंट्स के कंपैरिजन में आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, क्योंकि 15 ग्रुप एलिमेंट्स में स्टेबल कॉन्फिगरेशन है, कंप्लीट हाफ फील्ड है, सो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी लॉस्ट इजीली। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी,
इट इज द टेंडेंसी टू गेन एडिशनल इलेक्ट्रॉन और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एडिशनल इलेक्ट्रॉन इज एडेड. सो दीज आर हैविंग हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बट डाउन द ग्रुप दिस टेंडेंसी डिक्रीजेज. ऑक्सीजन हैज एबनॉर्मली लोअर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फर. इट इज द एक्सेप्शनल क्वेश्चन एंड इट इज बिकॉज इन केस ऑफ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इज टू बी एडेड इन 2p ऑर्बिटल जो कि स्मॉल साइज का है. सल्फर में इलेक्ट्रॉन को ऐड होना है 3p ऑर्बिटल में जो बड़े लार्ज साइज का बड़े साइज का है. सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉम्पैक्ट 2p में ज्यादा है. सो न्यू इलेक्ट्रॉन फील्स रिपल्शन फोर्स रेदर देन अट्रैक्शन. सो अट्रैक्शन होने की वजह रिपल्शन फील करता है और वो ऐड नहीं हो पाता. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इन द कोवेलेंट बॉन्ड एक्सेप्ट फ्लोरीन. ऑक्सीजन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इज फ्लोरीन एंड सेकंड वन इज ऑक्सीजन. ग्रुप के अंदर डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस. ऊपर से नीचे चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है. नॉन मेटेलिक करेक्टर्स ये एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं लेकिन नॉन मेटेलिक करेक्टर ऊपर से नीचे चलते हुए ग्रुप में डिक्रीज होता जाता है. जैसे कि ऑक्सीजन सल्फर है प्योर नॉन मेटल्स हैं. सेलेनियम टेलुरियम मेटेलॉइड्स हैं और पोलोनियम मेटेलिक एंड रेडियो एक्टिव है. मेल्टिंग पॉइंट जनरल पॉइंट है जनरली इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन एटोमिक नंबर. डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप. एलोट्रोपी केवल ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट्स एलोट्रॉप्स बनाते हैं. एलोट्रॉप्स मीन्स सेम एलिमेंट की डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स जिनमें कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं. तो ये एलोट्रॉप्स बनाते हैं ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी एलोट्रॉप्स बनाते हैं फिजिकल स्टेट. ऑक्सीजन डायटोमिक है O2 जबकि अदर एलिमेंट्स पॉली एटॉमिक है जैसे S8, SE8 एटसेट्रा. नाउ ट्रेड इन केमिकल प्रॉपर्टीज. ऑक्सीजन स्टेट मींस ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेड इन केमिकल प्रॉपर्टीज. द एलिमेंट्स ऑफ 16 ग्रुप एग्जिबिट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट काफी सारी होती है. इन दीज हैव 6 इलेक्ट्रॉन. इनकी लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है तो या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं और एनायन बना सकते हैं या फिर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं. टेंडेंसी टू हैव -2 ऑक्सीडेशन स्टेट. इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी और -2 आयन बनाने की टेंडेंसी ऑक्सीजन सल्फर की सबसे ज्यादा है और डाउन द ग्रुप ये टेंडेंसी डिक्रीज होती जाती है. ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन हैज ओनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. ये -2 बनाता है उसके अलावा ये -1 स्टेट में भी प्रेजेंट होता है लेकिन जब ये फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड है उस कंडीशन में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है पॉजिटिव 1 स्टेट मिलती है. कोवेलेंट कंपाउंड बनाते टाइम ऑक्सीजन केवल +2 वैलेंसी शो करता है क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है. So it cannot extend its oxidation state to 4+4 or +6. Oxygen cannot have oxidation state +4+6 due to absence of vacant d orbitals. Now +4 and +6 state. Now down the group stability of +6 state decreases and that of +4 is more. And this due to inert pair effect. Now reactivity with hydrogen. All these elements form hydrides of the formula H2E like H2O, H2S, H2SE, H2TE. Now we will compare their characters. Inka comparison aapas mein. Acidic character. H+ देने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती जाती है
और H2O यहाँ पर न्यूट्रल है, H2S, H2SE, H2TE एसिडिक नेचर में है। थर्मल स्टेबिलिटी, बॉन्ड कितने स्ट्रॉन्ग है, तो डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज होती जाएगी। H2O बॉन्ड OH बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होंगे स्मॉल साइज होने की वजह से, और H2SE सबसे वीक होंगे क्योंकि साइज उनका सबसे बड़ा है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ऑल द हाइड्राइड्स एक्सेप्ट वाटर, वाटर को छोड़ के सभी रिड्यूसिंग एजेंट हैं। बॉन्ड टूट के H दे सकता है किसी दूसरे एलिमेंट को और उसको रिड्यूस कर सकता है, तो रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीजिंग फ्रॉम H2S टू H2TE। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, एंड पानी जो है यहाँ पर H2O ये एबनॉर्मली हाई बॉइलिंग पॉइंट रखता है और लिक्विड स्टेट में है, और इसका कारण है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि केवल H2O पाई जाती है, अदर एलिमेंट्स में या उनके कंपाउंड में नहीं मिलती। बॉइलिंग पॉइंट इसीलिए ऑर्डर है, H2O सबसे ज़्यादा, सबसे कम H2S। मेल्टिंग पॉइंट H2O सबसे ज़्यादा है, H2S सबसे कम है। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं कि इनके ट्रेन प्रॉपर्टीज में शो हुआ एज इट इज रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, दीज फॉर्म ऑक्साइड्स का फार्मूला EO2, EO3 लाइक SO2, SO3, SeO2, SeO3। ओजोन O3 मीन्स, और ऑक्सीजन का जो ऑक्साइड है उसका नाम है ओजोन। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, ये सल्फर डाइऑक्साइड से कैलोरियम ऑक्साइड तक डिक्रीज होती रहती है। सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग भी है साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग भी है, जबकि TeO2 केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि इसके पास टोटल जो यहाँ वैलेंसी दी गई है वो है +4, और ये +4 से +2 कर सकता है, चेंज हो सकता है, और दूसरी तरफ साथ ही साथ ये +4 से +2 की तरफ भी जा सकता है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है साथ साथ रिड्यूसिंग एजेंट भी है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन्स, दीज कंपाउंड्स हेलोजन्स ऑफ टाइप्स EX2, EX4, EX6 लाइक SF2, SF4, SF6। स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। हेक्साहैलाइड्स केवल फ्लोराइड्स के पॉसिबल हैं जो कि स्टेबल फॉर्म में हैं, क्योंकि फ्लोरीन का साइज है छोटा स्मॉल है, और वो 6 फ्लोरीन को एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। SF6 ये एक्सेप्शनली स्टेबल है, इसकी रिएक्शन बहुत कम होती है क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस है, सल्फर एटम 6 फ्लोरीन के द्वारा सराउंडेड है, इसलिए कोई भी दूसरा कंपाउंड इसकी रिएक्शन नहीं कर पाता है। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि SF6 कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, वाटर की रिएक्शन इस पर नहीं होती है। दूसरी तरफ SF6 पॉसिबल है लेकिन SH6 पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये किसी भी एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्रिएट कर सकता है। टेट्राहैलाइड्स, टेट्राहैलाइड्स में SF4 गैस है, SeF2 लिक्विड है और TeF4 सॉलिड। दीज फ्लोराइड्स हैव SP3 हाइब्रिडाइजेशन एंड हैव सीसॉ ज्योमेट्री। दीज आर हैविंग ट्राइगोनल बाईपिरामिडल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम, बट इन दिस पोजिशन द इक्वेटोरियल पोजिशन 1 इज ऑक्यूपाइड बाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो स्ट्रक्चर बिकम्स सीसॉ शेप्ड। डाइहैलाइड्स, डाइहैलाइड्स सारे एलिमेंट्स के डाइहैलाइड्स बन सकते हैं ऑक्सीजन से लेकर सभी के। दीज डाइहैलाइड्स है, इनमें होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन और इनकी शेप है बेंट शेप, क्योंकि दो पेयर लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो दीज टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बेंट द
two chlorine atoms towards each other. The well-known monohalides are dimeric. और ये disproportionate होते हैं. Disproportionate का मतलब है कि सेम एलिमेंट कंपाउंड बनाएगा, एक में वो ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे में रिड्यूस. एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन. अब जितनी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज देखी हैं, उसके बेस पर हमें दिखता है, देखते हैं कि ऑक्सीजन की क्वालिटीज प्रॉपर्टी बाकी सबसे डिफरेंट है. और इसका कारण है स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स. पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स पर हम कह सकते हैं कि ये एनोमलस प्रॉपर्टी शो करते हैं? सबसे पहला, ऑक्सीजन का हाइड्राइड वाटर, ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है, बाकी सब में नहीं है. H2O लिक्विड है, H2S, H2TE, H2S, ऐसे ऑल दीज आर गैसेस. ऑक्सीजन प्लस टू स्टेट रखता है केवल, बाकी सब में प्लस फोर प्लस सिक्स भी हो सकती है. ऑक्सीजन डाइएटोमिक है, O2, अदर आर पॉलीएटोमिक. ऑक्सीजन इज गैस बट अदर आर सॉलिड. सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस एंड सो इट हैज एनोमलस बिहेवियर. डाइऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन गैस. सो इट कैन बी प्रिपेयर बाय हीटिंग KCl3, मेटल ऑक्साइड्स, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड्स. ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन लार्ज स्केल. इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम वाटर बाय इलेक्ट्रोलाइसिस और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर. इंडस्ट्रियली डाइऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एयर बाय प्री रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड. फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव, उसको हटा दिया जाता है. वाटर वेपर्स रिमूव कर दिया जाता है. जो रिमेनिंग गैसेज हैं उनको लिक्विफाई करते हैं, जिससे कि हमें डाई नाइट्रोजन और डाइऑक्सीजन मिल जाती है. प्रॉपर्टीज, नंबर वन फिजिकल प्रॉपर्टीज, डाइऑक्सीजन इज कलरलेस वाटरलेस गैस. इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंस है मराइन लाइफ के लिए, एक्वेटिक लाइफ के लिए. तो फिश वगैरह पानी में रहती हैं, उनको ऑक्सीजन इसीलिए मिल पाती है क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाती है. ऑक्सीजन एटम है थ्री स्टेबल आइसोटोप, O16, O17, O18. मोलिकुलर ऑक्सीजन O2, इसकी यूनिक क्वालिटी है ये पैरामैग्नेटिक है ड्यू टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग के द्वारा. केमिकल प्रॉपर्टीज, डाई ऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट्स विद नियरली ऑल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक्सेप्ट सम मेटल्स एंड सम नॉन गैसेस, नोबल गैसेस. जैसे रिएक्शन मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स साथ में, कंपाउंड्स के साथ में दिखाई दे रहे हैं. हम देख रहे हैं कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, नॉन मेटल्स में फॉस्फोरस कार्बन, कंपाउंड्स एंड कंपाउंड्स. जिंक सल्फाइड जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो जिंक ऑक्साइड दे रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है. मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रही है, ये भी कंपाउंड है, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इससे मिल जाता है. उसी तरह कंपाउंड्स का ऑक्सीजन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में भी हो सकता है, तो हमें कई इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स मिल सकते हैं. बोथ रिएक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट. यूजेस, ऑक्सीजन का क्या यूज है? नंबर वन रेस्पिरेशन में चाहिए, किसी चीज को जलाने के लिए चाहिए. और ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हॉस्पिटल्स में यूज होते हैं, माउंटेनियरिंग में यूज होते हैं. ऑक्सीजन ऑक्सीएसिटिलाइन की फॉर्म में वेल्डिंग के लिए यूज होती है, और कंबस्टन ऑफ फ्यूल के लिए यूज होती है जो कि रॉकेट्स में होते हैं यूज. जैसे हाइड्रोजन इन लिक्विड ऑक्सीजन, ये रॉकेट्स को काफ़ी ज़्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं जिससे कि रॉकेट्स आगे चलते हैं. नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अनदर एलिमेंट्स आर नोन एज द ऑक्साइड्स. ऑक्साइड्स कैन बी सिंपल मिक्सड, सिंपल मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड,
मिक्स्ड मींस PbO4 इसमें लेड दो कंडीशंस में है, PbO एंड PbO2। इन द सेम वे Fe3O4 में आयरन दो कंडीशंस में है, FeO एंड Fe2O3। सिंपल ऑक्साइड्स एसिडिक बेसिक एम्फोटेरिक नेचर के हैं। एसिडिक ऑक्साइड्स नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल जो है वो बेसिक नेचर के हैं, लेकिन कुछ मेटल्स के ऑक्साइड्स जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +6, +7 स्टेट में, ये एसिडिक नेचर के होते हैं। इसका मतलब एसिडिक करेक्टर मेटल्स में भी होता है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट में। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल बेसिक हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स उस मेटल्स के होते हैं जो कि एसिड बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं, जैसे कि एलुमिना, एलुमिना NaOH से रिएक्शन कर रहा है और HCl से भी, एंड गिविंग द सॉल्ट। न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं कुछ जो कोई भी बिहेवियर शो नहीं करते, जैसे कार्बोनिल, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, N2O, दीज आर न्यूट्रल। ना ये एसिडिक है ना ये बेसिक है। ओजोन, ओजोन इज एन एलोटॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन और ये करीब करीब 20 किलोमीटर ऊपर एटमॉस्फेयर में सनलाइट की ऑक्सीजन की रिएक्शन होने से बनती है। साथ भी हम इसको बना सकते हैं हाई लेवल पे इंडस्ट्रियली ऑक्सीजन गैस के थ्रू साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, मीन्स कोई आवाज नहीं होनी चाहिए, इसे हम कहते हैं साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। अदरवाइज जो ओजोन बन रही है वो डिकम्पोज हो जाएगी वापस। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, प्योर ओजोन पेल ब्लू गैस है, डार्क ब्लू लिक्विड की फॉर्म में है, वायलेट ब्लैक सॉलिड की फॉर्म में है, मतलब तीनों स्टेट इसमें बना सकते हैं, मिल सकती है और तीनों बार इसका कलर डिफरेंट है। ओजोन है करेक्टरिस्टिक स्मेल एंड स्मॉल कंसंट्रेशन जो है उसकी वो भी हार्मफुल है। अगर ओजोन की कंसंट्रेशन 100 पार्ट्स पर मिलियन इंक्रीज हो जाती है तो ब्रीदिंग डिफिकल्ट हो जाती है, हेडेक हो जाता है, नोसिया हो जाता है, अनइजीनेस आती है जिससे कि वोमिटिंग की इच्छा होती है, तो ये कंडीशन कहलाती है नोसिया। ओजोन थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, क्योंकि तुरंत ये डिकम्पोज होकर ऑक्सीजन गैस में देती है और हीट प्रोड्यूस करती है। हाई कंसंट्रेशन ओजोन काफ़ी एक्सप्लोजिव भी हो सकती है, ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन दे सकती है, नेसेंट मीन्स एटॉमिक स्टेट में ऑक्सीजन, जो कि जैसे ही कोई कंपाउंड मिलेगा उसके साथ रिएक्शन करके उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। PbS प्लस ओजोन PbSO4 आयोडाइड सॉल्ट के आई लाइक इट गिव्स आयोडीन, आयोडाइड को ये आयोडीन में कन्वर्ट कर रहा है, PbS को PsO4 में। नाउ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ये आपने बहुत कुछ न्यूज़पेपर्स वगैरह में सुना होगा कि ओजोन लेयर पिघलती जा रही है, खत्म होती जा रही है और ये जो एक्टिविटी है ये काफ़ी टाइम से 90s में सबसे पहले सुनी गई थी। इसका मीनिंग है जो ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर है वो धीरे धीरे पिघल खत्म हो रही है और उसका कारण है पॉल्यूशन के कारण एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो कि इसको डिकम्पोज कर देते हैं, जिससे कि ये इसकी जो लेयर है वो हमें अल्ट्रावायलेट रेस से नहीं बचा पाएगी अगर ये ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाती है। स्ट्रक्चर ओजोन का होता है बेंट और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में है, डबल बॉन्ड दोनों तरफ में किसी में भी हो सकता है और इसी के कारण ये मोनो मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, मॉलिक्यूल्स किसी और से कंबाइन नहीं करते हैं। यूजेस, ओजोन जर्मिसाइड है, जम्स को मारने में काम आती है, डिसइंफेक्टेंट है, इन्फेक्शन कम करती है, स्टरलाइजिंग वाटर है, पानी में इसको स्टरलाइजेशन कर दे सकती है, ब्लीचिंग ऑयल, आइवरी, फ्लोर, स्टार्च वगैरह को ये ब्लीच करने में काम आती है, मीन्स ब्लीचिंग एजेंट है।
इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, काफी कंपाउंड्स को उनकी ऑक्साइड्स बनाने के लिए यूज की जा सकती है। एलोट्रॉप्स और सल्फर, हम जानते हैं कि ओजोन ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स एलोट्रॉप्स बनाते हैं और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है सल्फर के एलोट्रॉप्स। सल्फर चार टाइप के एलोट्रॉप्स बनाता है, गोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, सल्फर प्लास्टिक, सल्फर वेपर्स। रोम्बिक सल्फर, इसको हम अल्फा सल्फर भी ज्यादा मानते हैं, ये 385.8 इसका केल्विन टेम्परेचर है और अगर इसको हम 369 केल्विन पर हीट करते हैं या उससे ज्यादा हीट करते हैं तो ये रोम्बिक सल्फर में कन्वर्ट हो सकती है, मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्ट हो सकती है और इस टेम्परेचर पे दोनों फॉर्म एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम स्टेट में है। मीन्स 369 टेम्परेचर से नीचे रोम्बिक स्टेट रह सकती है और 369 से ऊपर मोनोक्लिनिक सल्फर एग्जिस्ट कर सकती है। इस टेम्परेचर को हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। नाउ विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल एंड एलोट्रॉप्स। वी नो दैट सल्फर एग्जिस्ट एज S8 मॉलिक्यूल्स और इसके जो एलोट्रॉप्स हैं रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर दोनों में ही इसका फॉर्मूला S8 है, लेकिन इनके जो क्रिस्टल्स देखते हैं उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं। रोम्बिक सल्फर की शेप ऑक्टाहेड्रल है जबकि मोनोक्लिनिक सल्फर की शेप निडल शेप है। दोनों ही टाइप के सल्फर में S8 मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं एज क्राउन शेप्ड स्ट्रक्चर। क्राउन शेप्ड स्ट्रक्चर मतलब जैसे क्राउन होता है, ताज होता है, उसी शेप में ये 8 एटम्स जुड़े हुए हैं S8 मॉलिक्यूल्स में। नाउ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय बर्निंग सल्फर इन एयर और ऑक्सीजन। सल्फर को ऑक्सीजन में जला के इसी का मेन यूज हो सकता है कि इसको लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है सल्फाइड्स की सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन से या फिर सल्फाइड्स की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा के भी हम इसको बना सकते हैं। द गैस आफ्टर ड्राइंग इज लिक्विफाइड अंडर प्रेशर एंड स्टोर्ड इन स्टील सिलेंडर। प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड कलरलेस गैस है, स्मेल पंजेंट है, वाटर में सोलबल है और वाटर में सोलबल होके ये बनाती है H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड जो कि नेचर बताता है एसिडिक नेचर। सोडियम हाइड्रोक्साइड कि जब में जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं तो पहले ये सोडियम सल्फाइड बनाता है और एक्सेस में SO2 पास करने पर ये सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को NaOH में पास करते हैं तो बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास करते हैं तो बनता है वाइट PPT, वाइट कलर आ जाता है, लेकिन ज़्यादा पास कर देंगे तो कलरलेस हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट। सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर सकता है, बनाता है SO2Cl2 B2O5 की प्रेजेंस में हीट करने पर ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है जो कि H2SO4 बनाने की प्रोसेस में काम आती है। मॉइस्चर के साथ सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है और इसका जो ब्लीचिंग एक्शन है वो रिडक्शन प्रोसेस पर डिपेंड करता है, इसलिए इसका जो रिड्यूसिंग एक्शन है वो स्टेबल नहीं है। जैसे कोई फैब्रिक है उसका कलर उड़ाने के लिए पहले सल्फर डाइऑक्साइड को यूज किया गया तो उसका कलर तो उड़ जाएगा, लेकिन जैसे ही वो एयर के कॉन्टेक्ट में आएगा फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कलर रीगेन हो जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज बेंट और ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं सल्फर डाइऑक्साइड एग्जिस्ट एज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ टू स्ट्रक्चर्स। इन टू स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो इन दोनों का हाइब्रिड है और इसी क्वालिटी के कारण सल्फर डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यूजेज ऑफ सल्फर रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम शुगर में काम आता है, ब्लीचिंग वूल एंड सिल्क में काम आता है और इनका जो ब्लीचिंग एक्शन है वो टेम्परेरी है, मीन्स
फैब्रिक जो कि रिड्यूसिंग रिएक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड के कारण डिकलराइज की गई है, जैसे ही वो एयर के कॉन्टेक्ट में आएगी फिर से उसका कलर वापस आ जाता है। ये एज एंटी क्लोर एजेंट काम करती है, डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करती है और प्रिजर्वेटिव की तरह काम करती है। एंटी क्लोर एक ऐसा सब्सटेंस है विच इज यूज टू डिकम्पोज रेजिडुअल हाइपोक्लोराइड्स और क्लोरीन आफ्टर क्लोरीन बेस्ड ब्लीचिंग। क्लोरीन को जब हम ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं तो फैब्रिक पर या जो भी आर्टिकल हम डिकलराइज करते हैं उसमें हाइपोक्लोराइड और क्लोरीन एक्स्ट्रा बच जाते हैं, उनको हटाने के लिए SO2 का यूज कर सकते हैं। लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड एज ए सॉल्वेंट यूज की जाती है टू डिजर्व नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, देर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स लाइक सल्फ्यूरस एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, डाइथायोनस एसिड, डाइसल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, उनके फार्मूले सब दिए गए हैं। पायरो ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम कैरोज एसिड कहते हैं, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड जिसको कि हम मार्शल्स एसिड बोलते हैं। इनमें देख रहे हैं कि कुछ स्टेबल है कुछ अनस्टेबल है, केवल चार स्टेबल हैं H2SO3, H2SO4, H2S2O7 और H2S2O8। दीज आर द स्ट्रक्चर्स, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट हैं ये स्ट्रक्चर्स H2SO3, H2SO4, H2S2O7, H2S2O8, पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम कैरोज एसिड बोलते हैं। यहाँ परऑक्साइड बॉन्ड दिखाया गया है, H2S2O8 में भी परऑक्साइड बॉन्ड दिखाया गया, दो ऑक्सीजन आपस में जुड़ी हुई है और सभी में सल्फर की अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल है जिसमें चार डायरेक्शंस में बॉन्ड बने हुए हैं। डाई सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम थायोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, थायोसल्फ्यूरिक एसिड में एक ऑक्सीजन को हटा के सल्फर को लाया गया है जिससे कि एस डबल बॉन्ड सल्फर बॉन्ड बना हुआ है और इसी के कारण इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का थायोफोब। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, लेबरी एजेंट, मैक्सिमम जगह ये रिएक्शन करने का काम आता है, बहुत सारी चीजों को बनाने में काम आता है, इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसको हम किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स। तो यहाँ पर क्या है, कैसे हम बना सकते हैं इसे, सबसे पहला आता है इसका मेथड, प्रिपरेशन मेथड जो कि मैन्युफैक्चर मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड है। उसको बनाने के लिए तीन स्टेप यूज होते हैं। नंबर वन, सबसे पहले सल्फर या सल्फाइड्स को जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाई जाती है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस को ऑक्सीडाइज करके कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटोक्साइड की प्रेजेंस में SO3 बनाया जाता है। देन SO3 गैस इज डिजॉल्व इन H2SO4 जिससे कि ओलियम बनता है H2S2O7। ओलियम इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड और ये हर चीज को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है ओलियम। इस ओलियम को हम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर के साथ मिक्स करके जिस भी कंसेंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड चाहते हैं बना सकते हैं, मीन्स डायल्यूशन ऑफ ओलियम बाद में हमें सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। इससे हम 98% प्योरिटी का सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हैं। अब आप देखते हैं इसका प्रिंसिपल इन्वॉल्व, तो मेन स्टेप है यहाँ पर स्टेप नंबर 2, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ B2O5 गिव्स SO3। दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक बिकॉज डेल्टा H इज नेगेटिव एंड इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होगी। नंबर 1, बिकॉज रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जितनी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं वो लो टेम्परेचर पे ही हो सकती हैं, सो इट इज टेकिंग प्लेस एट लो टेम्परेचर 720 केल्विन। हाई प्रेशर 2 bar इज यूज्ड बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स आर डिक्रीजिंग और वी कैन से नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजिंग, सो रिएक्शन जाएगी उस साइड जहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो, सो इसलिए हम प्रेशर यहाँ पर हाई रखेंगे ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड जाए। और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट थर्ड कंडीशन है,
जो कि मैक्सिमम सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड डेंस है, काफी गाढ़ा होता है, ऑयली लिक्विड दिखा जाए, देखने में ऑयली लगता है, कलरलेस है और हाई इसकी ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.84। वाटर में डिजोल्व हो जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व करता है, इसलिए जब भी हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डायल्यूट करेंगे तो हम वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे, ना कि H2SO4 में वाटर, क्योंकि अगर हमने वाटर को सल्फ्यूरिक एसिड में डाला तो ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि क्या करेगा ये, इसकी क्या रिएक्शन होगी, लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी और वो सल्फ्यूरिक एसिड हमारे ऊपर भी ब्रश कर सकता है, आ सकता है। अगला करेक्टर आता है एसिडिक करेक्टर। सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है और दो तरीके से ये आयोनाइज हो सकता है। इन फर्स्ट कंडीशन, पहला एच प्लस रिलीज करेगा तो HSO4- बनाएगा। सेकेंड कंडीशन में HSO4- से एक इलेक्ट्रॉन एच प्लस और निकल सकता है, जिसमें कि हम उसकी वैल्यू को आयोनाइजिंग कॉन्स्टेंट बोलेंगे Ka2। Ka1 और Ka2 कैसे बताएंगे? फर्स्ट इक्वेशन में जो भी प्रोडक्ट्स है डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स, Ka वैल्यू ज़्यादा होने का मीनिंग है कि H प्लस ज़्यादा इंक्रीज होना, प्रोड्यूस होना। तो Ka ज़्यादा है, हाई है, इट मीन्स एसिड स्ट्रोंग है। यहाँ पर दो तरह के सॉल्ट्स बनेंगे, दो तरह से आयनाइज हो सकता है, Ka1, Ka2। और सल्फ्यूरिक एसिड के केस में Ka1 Ka2 से काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व किया गया है और उसका कारण है कि Ka1 में H प्लस का रिलीज होना आसान है, लेकिन Ka2 के लिए HSO4- चार्ज आयन है, इसमें से H निकालना डिफिकल्ट है, सो इसलिए Ka2 की वैल्यू काफ़ी कम होती है। सल्फ्यूरिक एसिड दो सीरीज के सॉल्ट बनाएगा, सल्फेट्स एंड हाइड्रोजन सल्फेट्स, Na2SO4, NaHSO4। सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मीन्स किसी भी कंपाउंड के साथ इसको रख देंगे तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स को निकाल देता है, खुद एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए जो गैसेज हैं उनको वेट गैसेज में मॉइस्चर प्रेजेंट है, वहाँ से मॉइस्चर को हटाने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर सकते हैं। चारिंग एक्शन है इसका, चारिंग एक्शन मतलब कि सुक्रोज को, चीनी को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से कॉन्टैक्ट कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड शुगर में से जितना वाटर मॉलिक्यूल है सबको निकाल देता है और रह जाता है केवल ब्लैक कार्बन। तो हम ब्लैक जो शुगर है वो ब्लैक कलर की हो जाती है, और इसी को कहते हैं चारिंग ऑफ शुगर। ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों को ही ये ऑक्सीडाइज कर सकता है। जैसे कॉपर है तो मेटल उसके साथ रिएक्शन दे रहा है, सल्फर है नॉन मेटल उसके साथ भी रिएक्शन है SO2 गैस देता है, कार्बन नॉन मेटल है उसके साथ भी ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है, इसका मतलब इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बोथ। यूजेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला इंडस्ट्रियल केमिकल है, नंबर ऑफ कंपाउंड्स को बनाने में काम आता है, मैन्युफैक्चर में काम आता है इंडस्ट्रीज में। तो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज मेन है? पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पिगमेंट्स बनाना, पेंट्स बनाना, डाईस्टफ बनाना, लेड स्टोरेज बैटरी जिसको कि हम कार में और इन्वर्टर्स के साथ यूज करते हैं, एज ए लेबोरेटरी रिजेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैक्सिमम कंपाउंड्स में इसको हम यूज कर सकते हैं, ये है यूजेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सो दैट इज ऑल अबाउट द ग्रुप 16 एलिमेंट्स। थैंक यू, कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।